पराठों को अचार के साथ खाते हैं, बट ये दो पराठे हमारे ऐसे रेडी हो रहे हैं जिनमें ना तो अचार की ज़रूरत है और ना ही साथ में कुछ चरचरे चीज़ की। बस चाय मिल जाए चाय पीने वालों को और कॉफ़ी मिल जाए कॉफ़ी वालों को। जुबा चटोरी पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आई होप आप सब मज़े में होंगे। आप लोग भी सोच रहे होंगे हर बार बोलती है पंजाबी है पंजाबी है, ऐसे कैसे पंजाबी है जिन्होंने अभी तक पराठों की बात नहीं की। तो आज हम आपके साथ पराठों की ही बात करने वाले हैं। अब आप कहेंगे पराठे तो सबसे पहले नाम कौन सा आता है, आलू का पराठा या गोभी का पराठा। नॉर्थ में है तो मूली का भी बना लेंगे, लेकिन वो भी बनाएंगे कुछ जुबा चरोरी ट्विस्ट्स के साथ, लेकिन आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ डिफरेंट पराठे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कीजिए। और प्लीज़ लाइक करने के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लाइक नहीं करेंगे, प्लीज़ हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो हम पराठे बनाने वाले हैं, सबसे पहले आटा गूंध लेते हैं। यहाँ मैं 1 कप आटा ले रही हूँ। इसमें मैं 2 चम्मच बेसन मिला रही हूँ। और हम इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा नमक और अजवाइन। तो सबसे पहले हम आटा गूंद लेते हैं। मैं इसमें बिल्कुल भी तेल नहीं मिलाऊंगी, हम नॉर्मल पानी से आटा गूंदेंगे। सब लोग सिर्फ आटा गूंदते हैं जो हम बनाते हैं उसमें सिर्फ आटा डालते हैं, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा बेसन और ऐड कर रहे हैं। किस लिए? इससे हमारे पराठे क्रिस्पी बनेंगे। ये आटा हमारा बाइंड हो गया है, अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे। तो जब तक हमारा आटा रेस्ट कर रहा है तब तक हम हमारे पहले पराठे के जो हम अंदर स्टफिंग डालेंगे या मसाला डालेंगे उसकी तैयारी करते हैं। यहाँ मैं एक छोटा पैन ले रही हूँ जिसमें हम लोग तड़का मारते हैं, वो ले रही हूँ। हम करीब 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे, ये 1 पराठे के हिसाब से है। सबसे पहले हम इसमें हींग डालेंगे, उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर, हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, जीरा और नमक। अजवाइन हमने आटे में ऑलरेडी डाली हुई है इसलिए हम इसमें नहीं डालेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ, थोड़ा सा ये तंदूरी चिकन जो होता है उसका मसाला है। आप चाहें तो इसमें कोई भी और मसाला ऐड कर सकते हैं और ये टोटली ऑप्शनल है, इससे बस फ्लेवर ऐड ऑन होगा। आप इसमें चना मसाला या कोई भी और डाल सकते हैं। थोड़ा सा चाट मसाला डाल रही हूँ मैं इसमें। जैसे ही हमारा मसाला पक जाएगा हम इसे बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे साइड पे। साथ ही हम तवा चढ़ा देते हैं ताकि हमारा तवा भी अच्छे से गर्म हो जाए और जो हमारा आटा साइड में पड़ा है वो अच्छे से रेस्ट हो चुका है। अब हम इसे एक बार और मुक्की देंगे। आटा नॉर्मल है, बहुत हार्ड नहीं गूंधा है मैंने और बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं है। तो हम पराठा बनाएंगे हमारा पहला। ये जो हमारा मसाला है इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे।
इसे बीच में फैलाएंगे। उसके बाद ये जो हमारा मसाला है जिस साइड पर हम फोल्ड कर रहे हैं उस पर भी थोड़ा सा लगा करके फिर इसे फोल्ड करेंगे। देखिए हमारे मसालों का कलर हमारे पराठे के ऊपर आ चुका है। तवा भी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसे सेकने के लिए डाल देते हैं। तो ये हमारा पहला पराठा सेक के रेडी हो चुका है। थोड़ा सा इसे ब्राउन कर लेंगे, तब तक हम हमारे दूसरे पराठे की तैयारी करते हैं। दूसरा पराठा है हमारा आम के अचार का, जो हमारा मसाला होता है उसे हम बीच में डाल के पराठा रेडी करेंगे। ये दोनों ही पराठे हमारे ट्रैवल के पर्पज़ को भी सॉल्व करते हैं। इन दोनों पराठों के लिए हमें ना तो सब्ज़ी की ज़रूरत है और ना ही अचार की ज़रूरत है। पहले हम दोनों सेक लेते हैं फिर हम आपको दिखाएंगे। ये आम के अचार का मैंने सूखा सूखा मसाला निकाल लिया था, ऑयल नहीं है इसमें। इसे अच्छे से स्प्रेड करके आप चाहें तो इन परांठों को गोल भी बना सकते हैं, ट्रायंगल भी बना सकते हैं। मैं इसे स्क्वायर में ही बना रही हूँ। लोगों ने ये परांठा खाया होगा अपनी दादी नानी के हाथ का। मुझे इस पराठे को बनाते हुए मेरी नानी याद आ रही है क्योंकि वो इस पराठे को बहुत ही अच्छे से बनाती थी और छुट्टियों में हम जब नानी के घर जाते थे तो ये पराठा खाते थे। आप लोगों में से जिस जिस ने ये पराठा खाया हुआ है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये पराठा आपको किसकी याद दिलाता है। मुझे ये दोनों पराठे इसलिए भी अच्छे लगते हैं क्योंकि इनके साथ ना तो हमें सब्ज़ी की ज़रूरत है और ना ही किसी और चीज़ की। जनरली हम पराठों को अचार के साथ खाते हैं बट ये दो पराठे हमारे ऐसे रेडी हो रहे हैं जिनमें ना तो अचार की ज़रूरत है और ना ही साथ में कुछ चरचरे चीज़ की। बस चाय मिल जाए चाय पीने वालों को और कॉफ़ी मिल जाए कॉफ़ी वालों को। तो ये हमारे दोनों ही पराठे रेडी हो चुके हैं। ये है हमारा मसाले वाला जिसे हमने ऑयल में बनाया था और ये हमारा अचार वाला। तो आप लोग भी इन पराठों को बनाइए और एंजॉय कीजिए और हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये दोनों पराठे कितने डिफरेंट लगे और आपके घर में लोगों को कितने पसंद आते हैं। तब तक मैं ज़रा ये दोनों पराठे खा के देख लेती हूँ। भाई अब नानी की याद आई गई है तो देखें नानी के हाथ का स्वाद है या नहीं है। जब तक मैं इसे एंजॉय करती हूँ गर्मा गर्म, आप लोग भी इसे बनाइए और एंजॉय कीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर किया कीजिए। बाय बाय।